हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस देखिए, यूनियन बैंक का जो एटीएम कार्ड का फॉर्म कैसे अप्लाई करें, कैसे फॉर्म भरें, तो ये मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ, आप इसलिए इसको फिल कर सकते हैं। सो गाइस देखिए, सबसे पहले क्या है, आपको यहाँ से सबसे पहले आपको अपना ब्रांच नाम डालना होगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो आपका अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पर फिल करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक आपको रेडी किट मिल जाता है, एक आपको मिल जाता है पर्सनलाइज कार्ड। तो आपको यहाँ से पर्सनलाइज कार्ड पिक करना है, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है कि आप किस प्रकार का कार्ड चाहते हैं, यानी टाइप ऑफ कार्ड से। यहाँ पे आपको तीन प्रकार के जो कार्ड मिल जाते हैं, एक रुपए कार्ड मिलता है, एक वीसा कार्ड मिलता है, और मास्टर कार्ड। आप इनमें से किसी को भी अप्लाई करके कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक आपको जो कार्ड रहेगा उस पर आप नाम कितना रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे फिल करके कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको नीचे मिलता है कि आप किस जरिए आप अपना एटीएम कार्ड पाना चाहते हैं, अपने बैंक के एड्रेस पे पाना चाहते हैं, अपने एड्रेस पे पाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने घर पे एड्रेस पे चाहिए तो आपको यहाँ पे मेरे डाक पते पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे मिलता है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि अपना कार्ड जो है किस प्रकार चालू करना चाहते हैं, सिर्फ घरेलू के लिए करना चाहते हैं या अंतर्राष्ट्रीय के लिए करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे बोथ को सिलेक्ट करिएगा, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय को नहीं चूज़ करिएगा। आप आपको बोथ करना है, मतलब दोनों में, आप अंतर्राष्ट्रीय में भी करना चाहते हैं और पर्सनल में भी करना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे मिलता है अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भरना है आपको इसमें। और उसके बाद यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ पे अपने नेम जो सिग्नेचर है वो आपको करनी पड़ेगी, और अपना प्लेस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे डेट को लिख कर आपको अपने जो बैंक शाखा है उसमें आपको जमा कर देना है। और उसके बाद आपका जो बैंक जो एटीएम है वो आपके घर पर आ जाएगा। आज की वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।